Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कानून मंत्रालय से जल्द ही इस बात पर चर्चा करने वाला है कि एनुअल स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस यानी कि SUC के लिए क्या एक फ्लैट कीमत रखी जा सकती है। इस कदम से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी दूरसंचार कंपनियों के बीच विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल दूरसंचार विभाग चाहता है कि 2010 में बेची गई 4G एयरवेव्स सहित नीलामी की गई समूची एयरवेव्स के लिए SUC को रिवाइज कर फ्लैट 4.5% कीमत कर दी जाए, परंतु इस बात पर जियो का विरोध है कि उनका अधिकांश स्पेक्ट्रम नीलामी से हासिल हुआ है, इसलिए उन पर फ्लैट कीमत न रखी जाए। जानकारी के लिए बता दें कि 2010 में खरीदे गए 4G स्पेक्ट्रम पर 1% स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस लगता है, बाद की नीलामियों में खरीदी गई एयरवेव्स पर ज्यादा SUC लगता है। मौजूदा व्यवस्था में यह चार्ज इस बात पर निर्भर करता है कि ऑपरेटर ने कब स्पेक्ट्रम खरीदा था। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी के अनुसार SUC में फ्लैट रेट लगाने से मुकदमेबाजी बढ़ सकती है। दरअसल सरकार 2019 में होने वाली नीलामी में 4G और 5G स्पेक्ट्रम बेचने की योजना बना रही है। नए नियम के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फ्लैट SUC लगाने के मुद्दे पर दोबारा विचार कर रहा है। इस मसले को लेकर 2016 में दूरसंचार उद्योग में खेमेबंदी हो गई थी, उस बार भी स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले विवाद उठा था। दूरसंचार विभाग को तब कानूनी राय पर अपना प्रस्ताव नरम करना पड़ा था। राय यह मिली थी कि 2010 में बेचे गए 4G स्पेक्ट्रम पर SUC में बदलाव न किया जाए, क्योंकि वह लीगल ऑक्शन का हिस्सा है। इस मुद्दे पर दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। स्पेक्ट्रम का टेक्नोलॉजी से कोई नाता नहीं है और कोई भी टेक्नोलॉजी ऑफर करने के लिए किसी भी बैंड का उपयोग किया जा सकता है, लिहाजा मौजूदा 4G स्पेक्ट्रम का उपयोग भविष्य में 5G सेवाएं देने के लिए भी किया जा सकता है। आने वाले समय में पहले तय किए गए SUC आउटडेटेड हो सकते हैं, ऐसे में एक फ्लैट रेट रखा जा सकता है। ट्राई ने भी SUC के लिए फ्लैट रेट रखने की सिफारिश की थी और कहा था कि इसे धीरे धीरे घटाकर रेवेन्यू के 1% पर लाया जाना चाहिए। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।